देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राजधानी दिल्ली में नए सेवा केंद्र लाइट हाउस का उद्घाटन, लोगों के जीवन में आएगी रोशनी। ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार को बढ़ाने और लोगों के जीवन में खुशहाल जिंदगी की नई रोशनी बिखेरने के लिए दिल्ली के पीतमपुरा में नए सेवा केंद्र लाइट हाउस का उद्घाटन किया गया, जो कि विशेष दिल्ली जोन के निदेशक बीके चक्रधारी के हस्त कमलों से संपन्न हुआ। बीके चक्रधारी ने सभी को राज्यों के द्वारा कैसे जीवन को सफल और खुशनुमा बनाया जाए इसकी शिक्षा दी और परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाने की ब्लेसिंग्स दी। मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा, बीके सुनीता, डेरावाल नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी, बीके मंजू, बीके लता समेत अनेक सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर नए राजयोग मेडिटेशन हॉल का भी उद्घाटन किया। मलाड में देखिए कैसे मनाया गया कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। हालांकि ये 26 जुलाई को मनाया जाता है, जब 26 जुलाई सन 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 60 दिनों तक युद्ध चला था और भारत विजयी हुआ था। मुंबई के मलाड सेवा केंद्र और सैनिक फेडरेशन द्वारा इसी कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैनिक फेडरेशन महाराष्ट्र के अध्यक्ष ब्रिगेडियर सुधीर सामंत ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने उन लोगों को देशभक्त बनाया है जो लोगों के उकसाने पर आतंकी बन गए थे। वहीं मेजर अभय तिवारी ने भी बताया कि ऐसे दिन भी आए हैं उनके जीवन में जब युद्ध के दौरान सिर्फ नमक और चावल खाकर ही वे लोग रहते थे। इसके साथ ही महिला सैनिक फेडरेशन महाराष्ट्र की उपाध्यक्षा सुरक्षा कोसालकर ने ब्रह्मा कुमारी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, तो मलाड सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके कुंती, डिंडोशी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा ने सैनिकों के योगदान की प्रशंसा की। एक छोटा सा खड्डा भी आ जाएगा ना तो आपको मुश्किल लगता है, लेकिन आपका मन मजबूत है तो कितने भी खड्डे क्यों ना आ जाए हम उनको पार कर सकते हैं। तो उसके लिए मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। अंत में सभी को राज्यों का अभ्यास कराया गया और सैनिक फेडरेशन ने बीके बहनों को मोमेंटो भेंट किए। मौके पर फेडरेशन के उपाध्यक्ष सुभाष दरेकर, सचिव शत्रुधन महामुंकर समेत 80 से अधिक सैनिक व उनके परिवार के सदस्य शामिल हुए और सभी ने कैंडल जलाकर कारगिल सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। बोरीवली के प्रभु उपवन सेवा केंद्र पर विहासा ट्रेनिंग ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से तकरीबन 50 बीके सदस्यों ने हिस्सा लिया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में विशेष रूप से विहासा के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर अशोक मेहता, फैसिलिटेटर बीके डॉक्टर सचिन परब, डॉक्टर मनोज मतनानी, डॉक्टर प्रियंका निम्बा दास पाटिल और कोशा भाटिया ने कई प्रकार के एक्टिविटीज कराई और वैल्यूज इन हेल्थ केयर की ट्रेनिंग दी। अंत में बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की। वर्तमान चुनौतियों एवं समस्याओं से भरे युग में सफल और प्रसन्न जीवन जीना है तो आध्यात्मिक सोच को बढ़ावा देना जरूरी है। यह बात भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने कल्पतरु अभियान और उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिलने पर सेवा केंद्र पर आयोजित सम्मान समारोह के दौरान कही। कार्यक्रम में मौजूद नागरिक कल्याण मंच के अध्यक्ष मणकमल भंडारी, मारवाड़ चेतना के संपादक कन्हैया लाल खंडेलवाल समेत कई एनजीओस और समाज सेवी संस्थाओं के लोगों ने अपने विचार रखे और बीके गीता को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पावन पर्व सावन सोमवार के पहले दिन वाराणसी में डिवाइन संस्कार शाला के बच्चों द्वारा ईश्वरीय संदेश देने के लिए खास रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों ने शंकर पार्वती गणेश कार्तिकेय बनकर सभी का मन मोह लिया। सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर इस रैली का आनंद ले रहे थे और ईश्वरीय संदेश प्राप्त कर रहे थे। इस दौरान डिवाइन संस्कार शाला की संचालिका बीके लता ने इसकी जानकारी दी तो नन्हे नन्हे भोले भाले बच्चों ने रैली में हिस्सा लेने पर हुई खुशी को बाल मन से जाहिर किया। आज सावन के पहले सोमवार के दिन डिवाइन संस्कार शाला के बच्चों ने मामूरगंज एरिया में एक अपनी रैली निकाली है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे आते हैं रोज कुछ न कुछ एक्टिविटीज सीखते हैं, योग करते हैं, संस्कार अच्छे अच्छे लेते हैं और आज यही लोग लेकर के रैली गए थे और पूरे एरिया में घूम करके शिव बाबा के अलग जगा करके वापस अभी आए। हम सब शिव सैनिक बनकर सबका देखभाल कर रहे थे
और हम लोग डिवाइन संस्कार शाला के बच्चे नन्हे नन्हे एक एक प्रोग्राम करते रहते। आज हम लोग सावन के पहले सोमवार पर बस्ती में प्रोग्राम किए और बहुत चर्चा किए, शिव संदेश भी दिए। यहाँ की रैली लेकर हम लोग गए तो बहुत ही अच्छा लगा। सारे लोग बोल रहे थे ओम शांति ओम शांति। ये रैली बहुत ही अच्छा है, सावन के दिन पे रैली निकालना चाहिए। इस रैली में विशेष संस्था से जुड़े कई बीके सदस्यों ने हिस्सा लिया और ओम शांति की ध्वनि व निराकार परमात्मा शिव को हर मन में बसाकर सावन सोमवार को सार्थक बनाने का प्रयास किया। वहीं नागपुर जामठा के विश्व शांति सरोवर में संकल्प शक्ति से शक्तिशाली स्थिति योग तपस्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू से मोटिवेशनल स्पीकर बीके शक्तिराज ने कई गतिविधियां कराई और संकल्प शक्ति का महत्व बताया। सुनते हैं इस विषय पर उनका क्या कहना है। संकल्प शक्ति से परिवर्तन होगा, संकल्प शक्ति चेंज करना है। जैसा संकल्प होगा वैसी स्थिति होगी, संकल्प को चेंज करना है। हमारे पास दो माइंड है ना, एक होता कॉन्शियस माइंड, एक होता सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में 10% पावर है पर वो मालिक है, सबकॉन्शियस माइंड में 90% पावर है पर वो गुलाम है। आगे सादाबाद में अंचल समिति द्वारा आयोजित एकल अभियान के अंतर्गत मई गांव के मदन मोहन मैरिज होम में 10 दिवसीय आचार्य वार्षिक अभ्यास चल रहा है, जहां अनेकों युवा समाज को सकारात्मक ऊर्जा देने और एक परिवर्तन लाने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसी के तहत ब्रह्म कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें सादाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने स्वस्थ स्वच्छ और सशक्त बनाने का संदेश दिया। वहीं तसिंगा ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि श्यामवीर सिंह ने माउंट आबू के दौरान हुए अनुभव साझा किए। अंत में सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना की। पश्चिम मेदिनीपुर सेवा केंद्र द्वारा चाकरेपण ADCW में निशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी बीके ज्योति बीके घटन ने स्वास्थ्य सशक्तिकरण की बात कही और दीन बंधु समय नंदूलाल पात्रा समेत अनेक अतिथियों ने आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग पर बल दिया। आज के बुलेटिन में इतना ही, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।